स्टूडेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नेचुरल नंबर हमें फाइंड आउट करना है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 36। जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 36 है, मतलब अगर मैं 36 के फैक्टर्स बनाता हूं तो वो बनेंगे 2, 2, 3, 3। 36 के फैक्टर्स बन जाएंगे, इससे चार डिजिट्स आया आपके पास, बट हमें रिक्वायर्ड है फाइव डिजिट नंबर्स। फाइव डिजिट रिक्वायर्ड है तो फिफ्थ डिजिट आप यूज करोगे वन। फिफ्थ डिजिट वन यूज करोगे तो मैं केस फर्स्ट लेके चलता हूं जिसमें हम फाइव डिजिट जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1, 2, 2, 3, 3। ये फाइव डिजिट यूज करेंगे, इससे हम जो मैक्सिमम नंबर्स बना सकते हैं वो क्या बना पाएंगे, इसकी अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो जाए। रिपीट क्या हो जाएगा, 2 दो बार है तो इसका 2 फैक्टोरियल, 3 भी दो बार है तो इसका भी क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो इसे डिवाइड करोगे 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा केस फर्स्ट। ये केस लिया है अगर 1 टाइम यूज करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 को दो बार यूज करो। केस सेकंड यूज करूंगा बेटा मैं, केस सेकंड अगर 1 को दो बार यूज करोगे। अगर 1 को दो बार यूज करोगे तो पॉसिबिलिटीज है क्या, अगर मैं 1 को हटाऊ मतलब 2 हटाता हूं तो ये बन सकता है 2, 3, 6, एक केस बन जाएगा 2, 3, 6। नेक्स्ट केस हो सकता है कि अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई 36 आएगा, चेक करो 6 × 6 = 36। सेकंड केस क्या बन सकता है कि 1, 1, 2, 2, 9 बन गया 36, 1, 1, 2, 2, 9 भी 36 बन गया। और थर्ड केस क्या हो सकता है आपके पास, 1, 1 अगर यहां पे आप 4 यूज करोगे, 1, 1, 4, 3, 3 यूज कर सकते। क्लियर है? इसमें ये मैक्सिमम ये केस बन सकते हैं अगर आप दो बार मान लोगे। इससे आपके नंबर ऑफ जो टोटल नंबर बनेंगे वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल। इसमें सिर्फ 1 दो बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इस केस में 5 फैक्टोरियल और दो बार 1 आएगा इसका 2 फैक्टोरियल, दो बार 2 आएगा इसका भी 2 फैक्टोरियल। जो टर्म रिपीट हो जाए उसे नीचे लगा दोगे। सिमिलरली इसमें 5 फैक्टोरियल, दो बार 1 आएगा इसका 2 फैक्टोरियल और दो बार 3 आएगा इसका भी 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसे सॉल्व करोगे तो ये नंबर बच जाएगा आपके पास 60, ये आ जाएगा 30 और लास्ट टर्म भी आ जाएगी 30। क्लियर है? अब केस 3 भी पॉसिबल है जिसमें हम 3 times, केस 3 पॉसिबल है जिसमें आप 3 times 1 यूज करोगे, 3 बार 1 यूज करोगे। तो इससे अलावा बेटा सिंपल है, 4, 9, 36 एक केस बनेगा और नेक्स्ट केस बन जाएगा 1, 1, 1 और 6 and 6, ये भी 36 हो जाएगा, 6 and 6, 36। इससे आंसर बनेगा 5 फैक्टोरियल और 1 3 times आया तो उसका 3 फैक्टोरियल। इसमें 5 फैक्टोरियल और 1 3 times आया 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। इससे आंसर आ जाएगा 20 और इस टर्म से आंसर 10। बेटा जो सारे आंसर्स आए हैं, 1 answer 2, 3, 4, 5, 6 सबको ऐड कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 130 + 30 150 + 30 180 आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।